हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्विच ऑन प्लस। आई एम योर फ्रेंड रजनीश शर्मा। इंसान का वक्तव्य भी बहुत विचित्र है। अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और कोई आपसे आगे निकल जाता है या आप उससे आगे निकल जाते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में इंसान दूसरे को ही क्रिटिसाइज करता है। और 90% लोगों के दिमाग में यही बात आती है, अगर आपकी रफ्तार बहुत धीमी है तो दूसरों को देख के आपकी प्रतिक्रिया, भाई इतनी जल्दी क्या है, आगे जाके आग बुझानी है क्या। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी रफ्तार तेज है तो दूसरों को देख के आपकी प्रतिक्रिया, शायद इसे गाड़ी चलानी नहीं आती। मतलब कि हर एक परिस्थिति में इंसान अपने आप को ही सही ठहराता है। एक लड़का था जो पढ़ने में था बहुत तेज और बहुत ही अच्छी कविताएं लिखा करता था। इतनी अच्छी कविताएं लिखता देख उसका गुरु भी इस बात को जानता था कि वह आगे बढ़कर बहुत आगे निकलेगा, इसीलिए उसको और अच्छा लिखने के लिए वह उसे प्रोत्साहित करता था। और वहीं दूसरी तरफ वह लड़का अपने आप को और प्रतिष्ठित व रचनात्मक चीजें लिखने में व्यस्त रखता, मगर वह लड़का अपनी प्रतिभा को बिना किसी को बताए लोगों तक पहुंचाना चाहता था, ताकि लोग उसकी कविताओं के बारे में क्या सोचते हैं और उसे अपनी कमियों को दूर करना चाहता था। इसीलिए उसने एक ऐसा मंच चुना जहां बहुत से प्रतिष्ठित कवि अपनी कविताओं को प्रदर्शित करते थे। उस लड़के ने भी सोचा कि वह बिना अपनी पहचान बताए अपनी लिखी हुई कविताओं में से सर्वश्रेष्ठ कविता को प्रदर्शित करेगा। अपनी सोच के तहत अपने गुरु को बिना बताए अपनी एक कविता अपने दोस्त की मदद से उसने वहां प्रदर्शनी में प्रदर्शित कर दी। मगर उस लड़के ने अपनी कविता के अंत में एक वाक्य लिखा कि किसी को भी अगर इस कविता में कोई गलती नजर आती है तो वह एक सर्कल लगा दे। जाहिर है वह लड़का अपनी कमियां और लोगों का नजरिया देखना चाहता था। वह लड़का अपने मन में उत्साह लिए अपनी कविता को प्रदर्शनी में लगाकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। वह लड़का सारी रात सोचता रहा और बड़ी ही मुश्किल से उसकी रात गुजरी। अगली सुबह उत्सुक मन से जब वह वहां पहुंचा, जैसे ही उसने अपनी कविता देखी वह हैरान परेशान, क्योंकि लोगों ने उसकी कविताओं में इतनी कमियां निकाली थी, इतने सर्कल लगाए थे जैसे सारी कविता ही गलत लिखी हो। बहुत दुखी मन से, मन ही मन में अपने आप को कोसता हुआ अपने गुरु के पास पहुंचा और पूरा व्याख्यान किया कि किस तरह उसने एक कविता लिखी और किस तरह लोगों ने उसकी कविताओं में इतनी गलतियां निकाली कि उसे लगता है कि वह कविता लिखने लायक ही नहीं है और वह आगे से कविता कभी लिखेगा ही नहीं। दोस्तों, जिंदगी में सभी को अपनी इच्छाओं के मुताबिक परिणाम नहीं मिलते। वही समय होता है जब हमें अपने आप को संभालना पड़ता है, उन हालातों से लड़ना पड़ता है और अपनी हिम्मत को बचा के रखना पड़ता है, ताकि हम फिर से खड़े हो सकें और उस मुसीबत का डट के मुकाबला करें। और हमें ऐसे एक इंसान की भी तलाश होती है जो हमें समझ सके। किसी तरह गुरु ने उसे संभाला और मुस्कुराते हुए सांत्वना दी और अपने मन को शांत और निराश ना होने की सलाह दी। गुरु समझ चुका था कि लड़के ने क्या गलती करी थी। उस गलती का सुधार करने के लिए उसे अपनी कविता द्वारा प्रदर्शित करने के लिए कहा और इस बार मैं भी उसके साथ चलूंगा, ऐसा कहा। अगली सुबह वह दोनों लड़के की कविता को प्रदर्शित करने के लिए वहां पहुंच गए, मगर इस बार उसके गुरु ने भी एक वाक्य उसकी कविता के नीचे जोड़ दिया। लड़के की पूरी रात इसी असमंजस में निकली कि लोग इस बार उसकी कविताओं में कितनी गलतियां निकालेंगे, क्योंकि वो कहते भी हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अगली सुबह वह लड़का अपने गुरु के साथ वहीं पहुंचा पूरी उत्सुकता के साथ जहां उन्होंने अपनी कविताएं प्रदर्शित करी थी, और वह इस बार देख के हैरान था कि किसी ने भी उसकी कविताओं में एक भी गलती नहीं निकाली थी। आप भी यह सोच रहे होंगे कि गुरु ने उस कविता के अंत में क्या लिखा था। अगर किसी को इस कविता में कोई गलती नजर आती है तो गलती निकालने के बजाय उसे ठीक कर दें। मगर किसी भी व्यक्ति ने अपनी गलती निकल जाने के डर से उसमें कोई सुधार किया ही नहीं। तब उस गुरु ने उसे समझाया कि किसी भी व्यक्ति में कमियां निकालना उतना ही आसान है जितना मुश्किल उन खामियों को दूर करने की सलाह देने में है। हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए बगैर। क्रिटिसिज्म इज गुड बट विद अ सॉल्यूशन। इट इज़ वेरी इजी टू क्रिटिसाइज इफ यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशन।
फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा, और मेरे चैनल स्विच ऑन प्लस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।